सो हाय एवरीवन, आपको एक नई वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज को तो आप सबको पता चल गया होगा आज किस टॉपिक पर वीडियो पर बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना खुश हूँ कि यार मैं बता ही नहीं सकता कि मैं यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट मेरा आ चुका है। और इस वीडियो में बात करूँगा कि यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आने में मुझे कितना टाइम लगा और मुझे क्या क्या उसमें प्रोसेस करना पड़ा, जो मेरा आज यूट्यूब से इतना पेमेंट आ चुका है। और पेमेंट को मैं एंड में बताऊँगा कि मेरा पेमेंट कितना आया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है करण प्रताप और आप सभी को स्वागत करता हूँ करण प्रताप टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आपको फर्स्ट पेमेंट आएगा तो आपको खुद ही समझ सकते हैं जो मेरा फर्स्ट पेमेंट कितना आया है। आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, एक साल आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक साल अगर आप मेहनत करते हैं उसके बाद आपको फल देखने को मिलता है। जैसे कि मैं चैनल जब स्टार्ट किया था, मैं किसी को फ्रेंड दोस्तों को किसी को नहीं बताया था जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं किसी को बताया नहीं था। जो मेरे पे अगर किसी को बता दिया तो मेरे पे मजाक उड़ा रहा था यार, हंस रहा था काफ़ी, तो मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैं इतना अच्छा से काम करता गया आज मेरा YouTube पे फर्स्ट पेमेंट आ चुका है, जो कि आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि फर्स्ट पेमेंट कितना आया है। तो देखिए, अगर आप ये एक यूट्यूबर हो तो आपको खुद ही समझ सकते हैं अगर फर्स्ट पेमेंट आएगा तो कितना खुशी, यार मैं तो खुशी के मारे यार हंसी रोक ही नहीं पा रहा यार, ठीक है। तो आज सबको बता रहा हूँ कि मेरा पेमेंट कितना आया। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर चैनल नया है तो 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटे का वॉच टाइम उसमें कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं उसके बाद आप यहाँ से चैनल मोनेटाइज हो जाता है और बिना कोई कॉपीराइट कंटेंट के आपकी चैनल होना चाहिए। अगर उसमें आप कॉपीराइट कंटेंट या किसी का वीडियो अपलोड किया तो इसे चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो ये रिजेक्ट हो जाता है, जो कि मेरे साथ ऐसा बहुत सारे को हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। तो अगर आप इस मोनेटाइज भी कर लेते हैं उसके बाद आपको $10 उसमें कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे कि आप $10 आप समझ लीजिए आपकी वीडियो काफी वायरल चल रहा है, जैसे 5 दिन 6 दिन में या 7 दिन में $10 उसका कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपको गूगल एडसन पिन एक वेरीफाई करना पड़ता है। तो उसको गूगल एडसन पिन वेरीफाई करेंगे और आपको 20 से 21 दिन के अंदर वो पिन आ जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में आ जाते हैं। पोस्ट ऑफिस में पता करेंगे जो आपको आपका मेरा पार्सल आया इस नाम से, तो वो पोस्ट ऑफिस वाले खुद ही निकाल के दे देते हैं, या तो हो सकता है तो आपको घर पे भी पहुंचा सकता है। तो यहाँ से 20-25 दिन में पोस्ट ऑफिस में आ जाता है पिन, उसके बाद अपना पिन को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आपकी अकाउंट में एडिशन अकाउंट में $10 मतलब $10 कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद अपना पिन एडिशन पिन वेरीफाई कर सकते हैं। और वेरीफाई करने के बाद आपको ऑप्शन आ जाता है बैंक ऐड करने का। तो बैंक ऐड करने का आपकी जो भी बैंक है, जो कि मैं बैंक में वीडियो बना रखा हूँ जो कि उसमें मैं बैंक ऑफ इंडिया ऐड किया था, तो उसका मैंने स्विप कोड पता करने के लिए गया बैंक में। तो बोला मैं उसको बताया जब मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और मुझे स्विप कोड चाहिए, ठीक है, जो मैं अदर कंट्री से $US के रूप में मेरा अकाउंट में पैसा आएगा। तो उसने हमको लिख के दे दिया, मेरे पर्ची में लिख के दे दिया और मैं नेट पे सर्च किया, तो नेट पे जो दिया और मैं पर्ची में मतलब नेट पे जो मैं देखा और वो पर्ची में जो लिख के दिया तो सेम ही मिल गया। तो उसको मैं कंप्लीट यहाँ से कर लिया, उसके बाद मैं स्विप कोड भी अच्छा से एंटर कर दिया और बैंक अकाउंट सब चीज़ ऐड कर दिया। उसके बाद मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब मुझे रह गया $100 कंप्लीट करने का। जैसे कि मेरा $100 जैसे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद महीने के अंदर में 21 से 26 तारीख के बीच में पेमेंट आ जाता है। तो मेरा ये $100 कंप्लीट होने में करीब मेरा 2 महीने लग गया था, 2 महीने या 2.5 महीने में लग गया था, लेकिन अब मेरा बट यहाँ से $100 से ज़्यादा कंप्लीट हो रहा है। तो आप अगर $100 कंप्लीट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट मंथ में आपको पैसा आ जाएगा। तो जैसे मेरा से $100 कंप्लीट हो गया तो मेरा $144 जो है यहाँ से मेरा कट गया था। जैसे कि आज 21 तारीख है, आज मेरे का $144-45 कट गया मेरे एडसन अकाउंट से। उसके बाद मेरा चला गया बैंक के पास, तो बैंक के पास मेरा एक मैसेज आया मेरे मोबाइल नंबर पे, उसमें लिखा रहा था बैंक से संपर्क कीजिए, बैंक से कॉन्टैक्ट कीजिए, ऐसे ही, ठीक है। जैसे मैं स्क्रीन शॉट दे रहा हूँ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, बैंक के पास मेरा कैसे आ रहा है, ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और जब मैं बैंक में यहाँ से वो सब एंटर कर दिया, उसके बाद मेरे 25 तारीख में पैसा आ गया, लेकिन पैसा ऐसे नहीं आया, पैसा एक फार्म फिलअप करना पड़ता है। जैसे कि आप मान लीजिए 26 तारीख मतलब आज 21 तारीख है, किसी भी महीने के 21 तारीख है, उसके बाद आपको 2 दिन पहले आपको एक $US को फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जो कि उसमें इंडिया रुपीज़ जो कन्वर्ट होता है। तो उसको मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, मैं इसमें फॉर्म भी फिलअप कर दिया, उसके बाद अपनी जो भी सिटी विटी सेलेक्ट करना है, पैन कार्ड लगाना है, वो वहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक का प्रोसेस आता है, तो बैंक आप बैंक जो होता है यहाँ से 21 से लेकर 26 तारीख के बीच में आपके खाते में पैसा भेज सकता है। तो इस तरह से मैं प्रोसेस किया हूँ। और आपको यह सब बताएंगे कि भाई आपने पैसे नहीं बताए कितना है आपके अकाउंट में, तो बताना चाहूँगा कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। तो मैं यहाँ से देखे ATM में गया था, ठीक है, तो पिन मेरा देख लेते हैं कार्ड, तो मैंने इसे अपडेट किया, तो मैं यहाँ से घर पे नहीं, मैं आपको वीडियो में बता रखा बहुत सारे वीडियो में। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट पेमेंट जो आया है 10,491 रुपये, मतलब हिंदी में आपको बताना चाहूँगा तो यहाँ से 10,491 रुपया आया है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शॉट यहाँ से आपको दे दूंगा सबूत के लिए, जो कि यहाँ से मेरा 26 तारीख के डेट में यहाँ से क्रेडिट कर दिया था मेरे बैंक अकाउंट में।
तो इतना मेरा पेमेंट आया फर्स्ट पेमेंट, और अगली महीना जितना भी पेमेंट आएगा मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है यार, खुशी के मारे तो मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट मतलब अगली महीना जो पेमेंट आएगा वो मेरा 26 मतलब अगली महीना आ जाएगा पेमेंट। तो आप अगली महीना का मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मेरा पेमेंट कितना है, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट तो मेरा इतना आया भाई, इतना आया था मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। तो आप सब मेरे पैसे सपोर्ट करते रहिए, आप सबको मैं सपोर्ट करता रहूँगा। तो आपके मन में कोई भी सवाल आए तो इस वीडियो को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप सबका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।